वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर फॉर द फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग. सब्जेक्ट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी जो पानी हम यूज कर रहे हैं, द वाटर विच इज वी आर यूजिंग, विद द यूज ऑफ दैट द वेस्ट इज देयर, और विदाउट यूज ऑल्सो द वेस्ट इज देयर. देन दिस वेस्ट वाटर और अनयूज्ड वेस्ट वाटर, दिस मस्ट बी कंजर्व इन एवरी सेंस. हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा. दैट इज टू बी नोन एज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाई इट इज रिक्वायर्ड, कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? डे बाय डे द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग एंड इट्स यूज इज इंक्रीजिंग. दो चीज हो रही है. डे बाय डे पानी का यूज बढ़ रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और उसकी कंजर्वेशन घट रही है, यानी हम उसको बचा नहीं रहे. आज की डेट में आप देखें तो पानी छोटी छोटी बोतलों में बेचा जा रहा है, पानी बिकना स्टार्ट हो गया. इवन कोरोना में ऑक्सीजन बिक रही है. तो वी मस्ट कंजर्व आवर अर्थ. इट इज एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. हमें यह ध्यान रखना है ऑक्सीजन क्यों बिकने लगी, क्योंकि पेड़ पौधे काट रहे हैं. एक आदमी को अपनी लाइफ में 18 पौधे चाहिए, वो इतनी ऑक्सीजन पूरी लाइफ में कंज्यूम करता है एवरेज एज में, कि उसको 18 पेड़ उतनी ऑक्सीजन दे पाते हैं. अब आप सोचो बेटा, या आप सब सोचें कि हमने पेड़ कितने लगाए जो हमें ऑक्सीजन मिलेगी. इन दैट वे चलो, हमारा टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. हम पानी के ऊपर पढ़ रहे हैं, इरिगेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो वी विल स्टडी अबाउट दैट. कंजर्व करने का तरीका, पानी को बचाने का तरीका, सबसे पहले जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है उस सरफेस रन ऑफ को हमें कंजर्व करना पड़ेगा. सरफेस रन ऑफ क्या है? अर्बन एरियाज में क्या है, रोड बनी हुई है. अगर घर बने हैं तो इसका फ्लोर जो है, जो भी एरिया ओपन टू द स्काई है, वो पक्का सरफेस बनाया हुआ, कंक्रीट डाली हुई है. रोड के ऊपर दैट मे बी रिजिड पेमेंट, दैट मे बी फ्लेक्सिबल पेमेंट. तो पानी जमीन में कब जाएगा? इस ग्राउंड सरफेस में, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड सरफेस है. वाटर परकोलेशन कब होगी? जब उसको ऊपर का जो सरफेस है वो कच्चा मिलेगा, देन इन्फिल्ट्रेशन विल बी देयर. तो हम क्या करें, इन रोड्स के किनारे शोल्डर्स के साथ में स्ट्रिप छोड़ दें कच्ची, और जितना स्लोप है रोड के ऊपर का, उस स्लोप को टुवार्ड्स दीज लेन्स प्रोवाइड कर दें, ताकि इसके ऊपर जितना पानी पड़ा वो सारे का सारा रन ऑफ हो करके, यानी बह करके यहाँ कच्चे सरफेस में आए और जमीन में इन्फिल्टर हो जाए. इसी तरीके से इस घर की छत का रेन वाटर पाइप है, उसको या तो स्टॉर्म वाटर लाइन में डालो, वो जा करके हम टैंक्स में फिल कर रहे हैं और उसको उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं. तो इन दिस वे सरफेस रन ऑफ इज वन ऑफ द टेक्निक विच कैन कंजर्व वाटर. इसके थ्रू पानी को कंजर्व किया जा सकता है. सेकंड इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम इंस्टॉलेशन ऑफ बोरवेल्स. ये इतना एरिया है हमारे पास, से
इस एरिया में कुछ कच्चा एरिया है, कुछ पक्का एरिया, कुछ पे कंक्रीट डाल रखी है, कुछ पे नहीं। जो हमारे पास ग्राउंड सरफेस है उसका आप एक बार टेरेन देखें कि हो सकता है इतने एरिया का, इतने एरिया का जो स्लोप है नेचुरल स्लोप वो इस तरीके से यहाँ आ रहा है, इस एरिया का नेचुरल स्लोप यहाँ आ रहा है, हो सकता है इस एरिया का नेचुरल स्लोप जो है वो इन पॉइंट्स पे जा रहा है। तो दिस इज ए पॉइंट, ये पॉइंट बी, हम क्या करें ए पॉइंट के ऊपर बोरवेल कर दें, जमीन में गहरे खड्डे कर दें और उसमें ऐसे परफोरेटेड पाइप डाल दें। ये किस लिए कि यहां से जो रन ऑफ इनफिल्टर हो करके चाहे ग्राउंड सरफेस से आए चाहे अंडरग्राउंड सरफेस से आए, जो पानी है हमारा वो आकर के इस बोरवेल में भरता चला जाए। इससे क्या होगा, इस बोरवेल में भर रहा है, हमने इस पाइप को क्या कर रखा है, परफोरेशंस इसके अंदर डाल रखी हैं, वो जमीन में जाकर के फैलना शुरू हो जाए। एक तरफ तो हम ट्यूबवेल से निकाल रहे थे लेकिन अब हम जमीन में वापस डाल रहे हैं, द प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस दोनों का सेम है, वहां हम इसको विड्रॉ कर रहे थे, यहां हम इसको जमीन में पानी डाल रहे हैं। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस कि इंस्टॉलेशन ऑफ बोरवेल्स, जगह जगह हम बोरवेल्स बना दें और उन बोरवेल्स के थ्रू वी कैन रिचार्ज आवर ग्राउंड वाटर, उससे हमारी जो वाटर टेबल है वो इंप्रूव होगी। देन इन माय व्यू परफोरेटेड फ्लोर्स, अब इंस्टीट्यूट्स में लें, कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, देखा होगा बिल्डिंग इतनी सी बनी होगी, दिस एरिया इज फॉर ए बिल्डिंग, बट इसके लिए पार्किंग, वो इतनी बड़ी पार्किंग होगी, इवन मोर देन द कवरेज एरिया ऑफ द बिल्डिंग, और इसको पूरे का पूरा कंक्रीट डाल देते हैं, इसमें पूरा कवर कर देते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अगर हम आज की डेट में टेक्निक्स आ गई हैं, ये कंक्रीट जो है वो परफोरेटेड कंक्रीट बन सकती है, यानी कंक्रीट में नुकसान भी नहीं होगा और उसके बीच में से पानी रिस करके नीचे चला जाएगा। दूसरा, इस एरिया में, यानी इस एरिया में जहां हमारी पार्किंग है उसमें हम टाइल्स, पार्किंग टाइल्स इस तरीके से लगा दें, इस तरीके की, ये टाइल का टॉप आपको नजर आ रहा है, ये बीच में छोटा सा होल है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है हमारी गाड़ियों में, नहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा पानी आ रहा है, रन ऑफ करके जा रहा है, इसके ऊपर से निकलेगा तो ये वाला होल हमने जमीन में छोड़ रखा है हल्का सा, इसके थ्रू वो जमीन में इनफिल्टर होगा, परकोलेट होगा, उससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, दैट इज परपोरेटेड फ्लोर्स और पार्किंग एरिया। इसके थ्रू भी हम रेन वाटर या वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंजर्वेशन, हमारे घर में यहां रसोई है, दिस इज किचन, इस किचन में यूटेंसिल्स वो यहां हम वॉश करते हैं, और इस वॉश यानी हमारा जो किचन सिंक है उसको हम पानी को वेस्ट वाटर में कहां लेकर के जाते हैं, सीवर लाइन में डाल देते हैं, जरूरी नहीं है उसको उसमें डालें, दिस वाटर कैन बी कंजर्व, क्योंकि इसमें तो कोई केमिकल है ही नहीं, यूटेंसिल्स का तो केमिकल है ही नहीं, उसमें तो ऑर्गेनिक मैटर है, इवन हमारा खाने का ही तो होगा उसमें, और खाना हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, अगर होगा भी तो हम क्या करें कि अपनी किचन के साथ में बाहर कहीं छोटा सा पिट बना लें, इस पिट में इस पानी को डाल दें, छोटा पिट बना लें, इसके थ्रू फिल्टर हो रहा है, आगे हम एक और थोड़ा बड़ा टैंक बना लें डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज, इस टैंक में ये पानी स्टोर हो रहा है और इस पानी को यहां से फिल्टर होकर के पानी यहां स्टोर हो रहा है, तो हम इस पानी को यूज कर सकते हैं फॉर आवर गार्डनिंग पर्पस, अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने, अगर इसको हमने नीचे कच्चा छोड़ दिया तो वो परकोलेट होगा, इनफिल्टर होगा, हमारी वाटर टेबल इंक्रीज होगी। तो मैंने कुछ आपको ये 4-5 पॉइंट बताए हैं वाटर कंजर्वेशन के। इस बीच में हमारा जो मेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है उसको हम एज ए रेन वाटर या रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इसके लिए हमें कैचमेंट का पता होना जरूरी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, फर्स्ट फ्लश है, फिल्टर है, स्टोरेज एंड रिचार्ज है, ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
दिस इज अ हाउस, दिस हाउस हैव इट्स रूफ, दिस इज रूफ, ये घर की छत है। इस घर की छत का स्लोप हमने बना दिया और हमने स्लोप ये ले लिया यहां पर। ये रेन वाटर पाइप आया नीचे जमीन पे, यहां बारिश हुई, छत के ऊपर बारिश हुई, सारा पानी इकट्ठा होकर के कहां आ गया, रेन वाटर पाइप में। इस रेन वाटर पाइप को, यानी इस रेन वाटर पाइप के लिए दिस रूफ टॉप एरिया इज टू बी नोन एज कैचमेंट एरिया। जितने एरिया का पानी, जितनी छत का पानी इस एक रेन वाटर पाइप में आएगा, उसके लिए ये पूरा रूफ टॉप जो है वो कैचमेंट एरिया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स रेन वाटर पाइप और अनदर पाइप विच आर विल बी स्टडीड लेटर ऑन। तो हमने यहां पर इसको सबसे पहले एक फिल्टर टैंक लगाया छोटा, यहां पर इसमें कनेक्ट कर दिया, इसको एक डाइवर्जन यहां दिया हमने, एक वाल लगा होगा यहां पर। जब भी पहली बारिश होती है इस वाल को बंद कर दो ताकि ये पानी बाहर जाए, फिल्टर में न जाए, क्योंकि पहला पानी में, पहली बारिश में इम्प्योरिटीज होती हैं, उन इम्प्योरिटीज वाले पानी को हमने बाहर निकाल देना। उसके बाद इस जो वाल है, इस वाल को आप ओपन करें, फिल्टर में पानी गया, इस फिल्टर से वो फिल्टर हुआ। यहां आप एक छोटा टैंक बना लें, इस टैंक में पानी भर रहा है, ये भर रहा है, रेन वाटर पाइप के थ्रू पानी आया हमारे स्टोरेज टैंक में आ रहा है। स्टोरेज टैंक में भरने के बाद स्टोरेज टैंक के टॉप पे एक पाइप लगाएं और नीचे जमीन में एक गड्ढा खोदें, पिट बनाएं, और इस पिट को सेम बोरवेल भी बना सकते हैं, बोरवेल भी बना लें बेशक। तो क्या होगा, जैसे ही यहां पानी ओवरफ्लो हुआ, हमारा ये जो टैंक है ये भर गया, ये पानी गया हमारे बोरवेल में या सोक पिट में। इसको हमने बॉटम से और साइड से कच्चा छोड़ना है ताकि जमीन में पानी रिसता चला जाए। दिस इज टू बी नोन एज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और यहां से हमारी वाटर टेबल इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है जिसको हमने वाटर स्टोरेज टैंक लिया है, इस वाटर स्टोरेज टैंक यहां पानी किस लिए रखा, अब देखो इस पानी को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए हमारे घर में जो गार्डन बना हुआ है, या हमने तो एक रूफ टॉप की बात की, अगर पूरे गांव का, पूरे शहर का ब्लॉक वाइज, पूरे गांव का शहर का ब्लॉक वाइज ऐसा सिस्टम बनाया जाए तो ये टैंक बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इट मींस वाटर अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, तो इस पानी को आप गार्डनिंग, क्या इरिगेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। दिस वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कार वॉशिंग, कार वॉश के लिए, उसके लिए प्योर वाटर की जरूरत तो है ही नहीं, कार वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। सम अदर पर्पसेस जिसके ऊपर ये डिपेंड होता है, या जिसको हम जो है ये नॉन ड्रिंकेबल वाटर चाहिए तो ये हम यूज कर सकते हैं। इट मींस ट्रांसपोर्टेशन मींस यहां से लेकर के और यहां तक जैसे जैसे पानी पहुंचा, दैट इज टू बी नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट फ्लश, आई हैव डिस्कस दिस फर्स्ट फ्लश। फिल्टर इज यूज्ड एट द फर्स्ट इंस्टेंस। स्टोरेज मींस वाटर स्टोरेज टैंक। रिचार्ज मींस ग्राउंड पिट और अंडरग्राउंड टैंक और द बोरवेल थ्रू विच ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज देयर। दिस वॉज ऑल अबाउट द वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। थैंक यू।